हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कलरफुल क्रोशिया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक साल से 2 साल बेबी गर्ल के लिए पोचों की ड्रेस बना के लेके आई हूँ, जो कि पोचों की तरह ही बनती है। मैंने इसे 3 रंगों से बनाया है और इसमें करीब मेरी 100 ग्राम वूल खर्च हुई है। और इसमें मैंने गले के बॉर्डर को छोड़ के 22 रोज़ डिज़ाइन की बनाई है। और मैं इसकी लंबाई मैं आपके दिखा देती हूँ। गले से इसकी लंबाई है 12.5 इंच। आपको मेरी पोचो ड्रेस कैसी लगी, ये देखिए, इसकी लुक बड़ी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरा ये पोचो सुंदर लगे और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। पोचो शुरू करने के लिए हम उंगली में ऐसे ऊन लेके स्लिप नोट लगा के और 80 चेन बनानी है हमें। ये देखिए, इस तरीके से इसको टाइट लूज़ ज़्यादा ना रखते हुए हमें 80 चेन बनाएंगे। ये हमारी बेबी वूल है और ये 9 नंबर का क्रोशिया हुक है। 80 चेन, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, ज़्यादा ना टाइट ना लूज़, इस तरीके से हमें 80 चेन बना लेनी है। मैं बनाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 80 चेन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे ऐसे पकड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हुए और इसके लास्ट में हमें ऐसे अंदर की तरफ से क्रोशिया डाल के, क्रोशिया पे कोई चेन नहीं लेनी है और हम इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। ये देखिए, अब लेनी है हमें 2 चेन, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया के ऊंचाई की होती हैं 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद फिर उससे अगली चेन में से हमें लेना है एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, सेकंड हाफ डबल क्रोशिया, ये थर्ड हाफ डबल क्रोशिया और ये फोर्थ हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, सारी चेन में से हमें इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, मैं ये बनाते हुए पूरी चेन में से मैंने हाफ डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, और 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। डबल क्रोशिया की हाइट की होती है 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद उसी चेन में से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और 1 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेनी है हमें। चेन लेने के बाद 3 छोड़ देने हैं, 3 नीचे चेन छोड़नी है, 1, 2, 3। फोर्थ चेन में हमें फिर करना है 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर हमें लेनी है 1 चेन और फिर 3 छोड़ के फोर्थ में हमें करना है 3 डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया और ये थर्ड डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह से 1 चेन लेके और 3 नीचे चेन छोड़ के फोर्थ में हमें करना है डबल क्रोशिया, वो भी 3 बार, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है। इस तरीके से हमारे ये बनते चले जाएंगे। तो पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे बनाते हुए इसके बीच तक आ गई हूँ। ये हमने बीच में 40 चेन इधर और 40 चेन इधर निशान लगाया था, तो बीच में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे बनाना है 1 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके बीच में लेनी है हमें 2 चेन। ये हमारे फ्रंट और एक बैक का हिस्सा है, उस दोनों में बीच में ली जाएंगी 2 चेन, बाकी सब जगह पूरे उसमें 1 चेन ली जाएंगी। ये देखिए, देखिए एक क्लस्टर बन गया हमारा इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर अब हमें लेना है 1 चेन और फिर 3 छोड़नी है, 1, 2, 3। फोर्थ में लेनी है हमें 3 डबल क्रोशिया।
ये पूरी रो हमारी इसी तरीके से चलेगी। मैं बना के दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये बनाते हुए मैं पूरी रो इस तरीके से, एक हमने क्लस्टर यहाँ बना लिया, एक हमें क्लस्टर यहाँ बनाना है। अब ये तीन, एक चेन में से तीन डबल क्रोशिया बना के फिर एक चेन लेके, और अब हमें क्रोशिए पे ऊन लेके और इसी में एक तीन डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए ये बना दिया दो चेन, और फिर इसको इसकी ऊपर थर्ड में ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए एक क्लस्टर हमारा ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया। ये देखिए फ्रेंड, इसको स्लिप स्टिच लेते हुए हम आगे तक ले जाएंगे, और यहाँ पे फिर हमें दूसरे रंग की ऊन लगानी है। देखिए दूसरा रंग लगाने के लिए उंगली पे ऊन लेके ऐसे स्लिप नोट लगाते हुए हम इसको इसमें से जो एक बीच में चेन है उसमें से ऐसे लेते हुए इसमें से फिर इसको ऐसे निकाल देंगे, दोनों ऊनों को ऐसे खींचते। अब हमें लेनी है तीन चेन, तीन तीन चेन, क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की होती है तीन चेन। उसके बाद हमें लेना है एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, देखिए दो डबल क्रोशिया, एक तीन की चेन और एक दो डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा तीन डबल क्रोशिया एक चेन। और फिर इसमें से अगली चेन में से लेना है हमें तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, इन डबल क्रोशिया के ऊपर कुछ नहीं लेना है, एक चेन, और फिर हमें जो आगे एक चेन थी उसमें से लेना है हमें तीन डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बढ़ता चला जाएगा। मैं ये पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड, मैं ये तीन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें लेना है एक चेन, और फिर ये बीच में जो क्लस्टर है इसमें लेना है तीन डबल क्रोशिया, ये देखिए दो चेन, और तीन डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर एक चेन, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया। पूरी रो में यहीं पे सिर्फ दो चेन ली जाएंगी, बाकी पूरे में एक चेन और तीन डबल क्रोशिया लिया जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ। ये देखिए मैं ये पूरा बनाते हुए यहाँ तक आ गया। अब हमें एक चेन और फिर इसके बीच में दो चेन में से लेने हैं तीन डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर एक चेन, और फिर हमें इसकी थर्ड चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। देखिए फिर स्लिप स्टिच लेते हुए हमें यहाँ पे दूसरा रंग चेंज करना है। तीसरा रंग लगाने के लिए ऐसे स्लिप नॉट लगा के और इसकी इस चेन में से, एक की चेन में से ऐसे निकाल के इसे, देखिए, और इसमें से ऐसे निकाल के अब दोनों धागों को खींच के हमें लेनी है तीन चेन, एक दो तीन, उसके बाद दो डबल क्रोशिया, और ये हो गया हमारे तीन डबल क्रोशिया, एक तीन की चेन और दो डबल क्रोशिया। फिर लेने हमें एक चेन, देखिए फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया एक चेन के बाद, अगली चेन में से तीन डबल क्रोशिया। क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया नहीं लेना है हमें, जो बीच की जगह है एक चेन है उसमें से तीन डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और यहाँ पे क्लस्टर में हमें
इसी तरीके से तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, और फिर इधर वाले क्लस्टर में भी इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया। मैं ये रो पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने तीसरी रो भी कंप्लीट कर लिया इसी तरीके से, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरीके से ही हमारा पोचो इस तरीके से बनता रहेगा। ये देखिए, मैं इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमने पोचो की 11th रो पूरी कर ली है। मैं गिन के दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें इसकी बाजू का और ये बीच का हिस्सा अलग अलग चलाना है। सामने का अलग चलेगा, बाजू अलग रहेंगी। तो ये टोटल रो हैं इसमें 19, तो इसकी हम 10 और 9 के हिसाब से अलग अलग करेंगे। 10 सामने रखेंगे और 9 बाजू के लिए रख लेंगे। तो एक बीच के क्लस्टर को छोड़ के, ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हमें अपना निशान लगा देना है मार्कर का, ऊन से या पिन से, जिससे भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद हमारी बची हैं 1, 2, 3, 4, और ये बीच की 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी 9 बच गई। इसी तरीके से इधर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे के साथ लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बीच में हम अपना निशान लगा देंगे मार्कर का, 1, 2, 3, 4, और ये 4, 4, 8, और ये 9। ये देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ पे रह गई और ये 10 हमारी यहाँ बीच में आ गई है। इस तरीके से हम इसको अलग से डिवाइड कर देंगे और अब हमें बीच का हिस्सा बनाना है, गले से आगे से पोचो बढ़ेगा। तो मैं ये इसको, ये देखिए, मैं अपनी इस ऊन को एक चेन लेके और यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ। अब हमें यहाँ बीच क्लस्टर से हमें शुरू करेंगे और यहाँ से ऐसे आते हुए इधर तक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, पोचो को शुरू करने के लिए हमें बीच क्लस्टर से ऐसे स्लिप नोट लगा के इसमें से ऊन लेके और ऐसे हमें एक करना है पहले सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद दो चेन। ये हो गया हमारा 3 की चेन, जो कि एक डबल क्रोशिया के हाइट की होती है। अब हमें लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद लेनी है एक चेन, और इसमें लेना हमें 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमें यहाँ तक लेना है। मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ पे हमें निशान लगाया था। अब हमें लेनी है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर लेनी है हमें 2 चेन और फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, और फिर लेनी है एक चेन और ऐसे ही सब में से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेते हुए मैं यहाँ बीच क्लस्टर तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बीच क्लस्टर में यहाँ पे हमें लेना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। ये पूरी रो यहाँ तक बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बनाते हुए मैं यहाँ जहाँ पे हमने मार्कर का निशान लगाया था वहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे लेना है तीन डबल क्रोशिया। दो चेन और फिर इसे पलट लेंगे। इसमें फिर लेना हमें तीन डबल क्रोशिया। एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। ये पूरी लाइन इसी तरह बनेगी। बीच क्लस्टर में दो चेन ली जाएंगी, पूरे में एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने जो ज्वाइंट किया था यहाँ पे दो चेन ली थी। ये बहुत जल्दी और आसान डिज़ाइन है जो बिगनर्स भी सीख सकते हैं और बना सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ इस छोटे बच्चे की, बेबी गर्ल की ड्रेस को बनाइए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं एक चेन लेके। यहाँ हमने एक क्लस्टर बना लिया था, एक और बनाना है। ये देखिए तीन का डबल क्रोशिया का क्लस्टर यहाँ बना के और बीच में दो चेन लेके और ऐसे इसे थर्ड की चेन की ऊपर वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ के और ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए हम आगे अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ में लगाना है दूसरा रंग, यहाँ पे हम दूसरा रंग लगाएंगे। यहाँ इस गैप में लगाना है हमें दूसरा रंग। ये देखिए दूसरा रंग लगाने के लिए ऐसे उंगली पे ऊन लेके स्लिप नोट लगा के और इसमें से ऐसे इसको बीच गैप में से इसको निकाल देंगे और दोनों धागों को खींच देंगे। फिर लेनी हमें एक चेन, दो, तीन। ये हो गया एक डबल क्रोशिया की हाइट की हमारी तीन चेन। अब दो डबल क्रोशिया हो, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। वही सेम डिज़ाइन पैटर्न चलेगा इसमें भी। ये देखिए एक चेन लेके हम ये बीच की दो चेन को में आ गए हैं। यहाँ हमें लेना है एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, दो, ये तीन, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। यानी कि इसमें हमें दो बार तीन डबल क्रोशिया लेना है, बीच में एक चेन लेनी है, फिर एक चेन, फिर इस गैप में से लेना है अगले गैप में से तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए मैं बनाते हुए यहाँ आ गई हूँ, बीच में दो जो दो चेन ली थी इधर बाजू के यहाँ पे और इसमें हमने तीन बार डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन बार डबल क्रोशिया कर दिया, फिर एक चेन और तीन बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से और इधर भी है इस तरीके से। अब मैं पूरी लाइन बना के दिखा। ये देखिए पोचों में से बाजू का भाग अलग करने के बाद हमारी दो रो बन गई। अब जितनी मुझे ज़रूरत है बच्चे की लंबाई के हिसाब से मैं उतनी रो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मेरा ये पोचों कंप्लीट हो गए हैं। बाजू की शेप देने के बाद मैंने इसमें बनाई है 11 रो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऊपर भी हमारी 11 रो थी डिज़ाइन की और एक ये ऊपर की बॉर्डर की रो मिला के होगी थी 12। तो 12 ऊपर और 11 नीचे। अब हमें अपने पोचों में लगानी है लटकन। ये लटकन लगाने के लिए मैंने तीनों रंगों की उनको
दो दो धागे लेके और मैंने इसे 6 इंच की लंबाई में काट लिया है। और वो सीधी तरफ से लेके क्रोशिए की मदद से हम इसमें ये लटकन लगा देंगे। देखिए इस तरह से सीधी तरफ से लेके आप इनको ऐसे इसमें से चेन हर चेन में से लेके एक की चेन ली थी हमने 3 डबल क्रोशिए के बीच में उसमें से इसमें ऐसे टांग देंगे, कम ज़्यादा उसको थोड़ा खींच देंगे। गले की किनारी बनाने के लिए ऐसे उंगली पे उंगली लेके हमें और एक स्लिप नोट लगा के और कहीं से भी ऐसे इसमें गले के इसमें क्रोशिया डाल के और हमें एक करना है सिंगल क्रोशिया। फिर इसी में से एक बार और करना है हमें सिंगल क्रोशिया। अब क्रोशिया ऐसे आगे की तरफ चलता है, अब हमें इसमें करना है बैक पीछे वाला क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। पीछे की तरफ हम चलते जाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया करने के लिए। इस तरीके से हर चेन में से लेते हुए हमें पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया करना है। मैं ये बाजू में मेरा ये वाला रंग आया है तो मैं इसी रंग की फिर यहाँ पे किनारी बना रही हूँ। आप इन तीनों रंगों में से किसी रंग की भी कोई किनारी बना सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। किनारी बनाने से थोड़ी अच्छी लुक आ जाएगी। मैं पूरी बना के दिखाती हूँ। देखिए किनारी बनाते हुए मैं यहाँ बीच के वी तक आ गई हूँ। अब हमें जो वी के पास वाली बिल्कुल चेन है उसमें से तो एक बार लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चेन को जो बिल्कुल बीच की चेन है इसको एक को छोड़ देंगे, इसमें से ना लेके इससे अगले में से ऐसे पीछे से बैक क्रोशिया करते रहेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इससे हमारे जो वी की शेप है वो अच्छी आएगी। अब मैं इसको यहाँ तक बना के और इसको जोड़ देती हूँ, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए इसको जोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरा पोचो कंप्लीट हो गया है। मैंने इसकी सारी लटकन लगा ली है और गले की किनारी भी बना ली है। मेरे बताने का तरीका कैसा लगा और ये मेरी पोचो ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।